Hello students, welcome back to our channel. हम electricity पढ़ रहे हैं, 12th class का first chapter electrostatic charge and field. इस chapter में अब तक हम Coulomb's law and उसके applications पढ़ चुके हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं electric field. तो electric field क्या होता है, पहले तो मैं आपको उसका general meaning समझाऊँ, what is electric field. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि charges एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं. एक चार्ज के चारों ओर एक डेफिनेट रीजन ही ऐसा होता है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस होता है. इन्फ्लुएंस मतलब कि उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आप लेके आएंगे तो ये चार्ज उस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, और अगर कोई चार्ज उस रीजन के बाहर हो तो इसका उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. अब चार्ज और उसका फील्ड एक बार कम ऑब्जर्व होता है, आपको एक जनरल चीज से समझाते हैं. जैसे कि मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट सबने देखी है, और मैग्नेट के बारे में भी आप जानते हैं कि ये आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. तो अगर हम एक मैग्नेट रख दें यहाँ पर और उसके पास एक कोई लोहे का आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आए तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. ठीक है ना, जितना ज़्यादा पास में होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे अट्रैक्शन थोड़ा कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिसके जिसमें उसका इन्फ्लुएंस रहेगा. उस रीजन के बाहर अगर ले जाए उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को तो फिर उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेट यहाँ रखी हुई है और मैग्नेटिक सब्सटेंस मेरे घर पे रखा हुआ है और वहां से मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर ले, ऐसा तो नहीं होता ना. तो इसलिए याद रखना, जैसे मैग्नेट के चारों ओर एक डेफिनेट रीजन होता है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस होता है, जिसके अंदर कोई भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस आप लेके आए तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेती है. सिमिलरली इन क्लास 11 हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था. हम जानते हैं किसी भी बॉडी जिसमें मास है उसके चारों ओर उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसके कारण वो दूसरी बॉडीज पर क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करती है. अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. हम देखते हैं किसी बॉडी को ऊपर से फ्रीली छोड़ दे तो नीचे आती है, नीचे से ऊपर की ओर भी फेंके तो भी वापस लौट के नीचे आती है. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है. लेकिन क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी, कि अगर किसी बॉडी को हम इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए तो फिर वापस लौट के अर्थ पे नहीं आती, एस्केप कर जाती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड टर्म यूज हुई थी ना. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि अर्थ के चारों ओर भी एक डेफिनेट रीजन होता है जिसमें कि अर्थ दूसरी बॉडीज पर ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट कर सकती है, और अगर कोई बॉडी उस रीजन के बाहर निकल जाए तो फिर अर्थ उस पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगी. तो देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. कि एक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा डेफिनेट रीजन जिसमें कि हम उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकें वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम डिफाइन करें, अगला टॉपिक आज का हमारा यही है इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इंग्लिश में हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन अराउंड एनी चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें उसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं. ठीक है ना, द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की. देन अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन भी एक पूछ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही अभी इस चैप्टर में आपके डिटेल में अपने को पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको कूलॉम्स लॉ के बाद डिफाइन करवाया था यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी दे चुके हैं, और वैसे बेसिक मीनिंग भी पता है कि चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और अगर 1 कूलॉम है तो 1 कूलॉम चार्ज को हम बोलेंगे यूनिट चार्ज. ये 1 कूलॉम चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. अगर ये +1 कूलॉम चार्ज है तो उसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अगर यही -1 कूलॉम है तो उसे बोलेंगे यूनिट नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिसिटी में मेनली डेफिनेशन देने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना, तो ये शब्दों को पकड़ना. अब अगले कुछ शब्दों में मैं डिफाइन करूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, पहले अंग्रेजी में फिर इंग्लिश में. तो शब्दों को ध्यान से पकड़ना, क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले तो हमारा मेन हीरो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी मेन डेफिनेशन जितनी भी देंगे ज्यादातर हम इसका यूज करेंगे, किसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का. समझ में आ गया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते ही हैं, चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन जिसमें उसका इन्फ्लुएंस रहता है.
इन्फ्लुएंस रहने का मतलब यह है कि उस रीजन के अंदर अगर हम कोई दूसरा स्टार्च बॉडी लेके आएंगे तो ये उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम जो लेके आए वो क्या लेके आए, हम लेके आए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको लेके आए, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए। किस में लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो उस पर फोर्स तो लगेगा ही, तो इस पर भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर रखा कौन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कौन रखा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे भी कुछ फोर्स लगेगा। तो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा कौन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, हम उस फोर्स को बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गई अंग्रेजी में डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिलाकर क्या हो गया, एक फोर्स, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, द फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ये डेफिनेशन है, नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। कहां एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट कहां है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्या, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है कि नहीं। ये डेफिनेशन होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। क्लियर है। अब चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है, आपको याद होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने बताया था कि नेचर में सिर्फ वही चार्ज पॉसिबल होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई, स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जो चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे सिर्फ वही चार्ज नेचर में पॉसिबल होंगे, और जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है वो चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं होंगे। और हम 1.6 × 10⁻¹⁹ में किसी भी इंटीग्रल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, यानी यूनिट चार्ज कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, ठीक है ना। तो ये कहानी बिल्कुल ऐसी हो गई कि हमने अपनी फिल्म के लिए एक हीरो साइन कर लिया, लेकिन हीरो ऐसा साइन कर लिया जिसके पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो या तो उसकी डेट्स के इंतजार में बैठे रहो तो फिल्म ही नहीं बनेगी, या फिर अपने को अगर फिल्म बनानी है तो अपन उसके डुप्लीकेट से काम चलाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज से हमने डिफाइन तो कर दिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल होता तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान होता, कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां हम ले जाते किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, रख देते, देखते कितना फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लगता वो मैग्नीट्यूड होता किसका, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऐसा करना चाहा तो हमने क्या देखा, समस्या ये आई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, तो द शो मस्ट गो ऑन, हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या है, इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। व्हाट इज दिस, इट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है नेचर में, तो पॉजिटिव तो चाहिए लेकिन यूनिट नहीं है, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं इसे। टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेस्ट करने के काम आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये क्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। क्यों ले रहे हैं इसको, बिकॉज यूनिट चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इन प्लेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं किसी पॉइंट पर और वहां पे हम रखते हैं, तो ऑब्वियस है कि कुछ फोर्स उस पर लगेगा। तो फोर्स लग रहा है सपोज कितना, F। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाया गया तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया कितना, कैपिटल F। और अब अगर हम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम जानते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज।
तो कैसे निकालेंगे, जैसे बचपन में अपन यूनिटरी मेथड यूज करते थे ना कि चार चॉकलेट आ रही है 12 रुपए की, तो एक चॉकलेट आएगी कितने की, 12 में 4 का डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड। तो उसी का यहां यूज करा कि भाई क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ, तो वन चार्ज यानी यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट कौन सा फोर्स हो गया, जो लग रहा है 1 कूलम चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही तो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इक्वल्स टू क्या हो गया, F अपॉन Q नॉट। क्लियर है कि नहीं, तो ये फार्मूला हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। F यहाँ पे फोर्स है, Q नॉट यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है कि नहीं, तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला ये आ गया, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अगर Q नॉट की जगह Q चार्ज दिया तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q हो जाएगा, यहीं से इसकी SI यूनिट आ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, तो फोर्स की होती है न्यूटन एंड चार्ज की होती है कूलॉम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलॉम, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन कूलॉम इनवर्स, अपॉन में ऊपर लेगा इनवर्स, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। तो ये डेफिनेशन, ये यूनिट आ गई किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होंगी, तो फोर्स की डायमेंशन हम क्लास 11 से जानते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होती है MLT-2, एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की जिस दिन शुरुआत करी थी पहले दिन ही बता दी थी, ये तो याद रखनी है जोर से, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, AT। तो फोर्स अपॉन चार्ज, अब इसकी डायमेंशन अगर हम बनाए फॉर्मूला तो एम एल, और ये टी नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू ऑलरेडी है, तो माइनस टू एंड माइनस वन इज माइनस थ्री, एंड ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, MLT-3 ए माइनस वन, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। एंड कैसी क्वांटिटी है, तो आप जानते हैं दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो हम ये देख रहे हैं इट इज व्हाट, इट इज फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कई बार ये क्वेश्चन एक नंबर में आया है एग्जाम में, कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट न्यूटन कूलॉम इनवर्स, इज इट स्केलर और वेक्टर। तो सिर्फ इतना ही याद रखना, न्यूटन कूलॉम इनवर्स जैसे ही देखा आपको याद आ गया ये किसकी है, यूनिट है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज स्केलर और वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी कि जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर हम एज्यूम करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या एज्यूम करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और फिर देखेंगे उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर हमको क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करनी, तो सबसे पहले तो यहां पर क्या अज्यूम करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, और फिर इसके कारण इस पे फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन देखेंगे क्या होगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लीजिए पॉइंट ओ है और ये पी है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन क्या है, अलोंग ओ से पी की ओर, तो ओ पहले देखेंगे पी बाद में, एरो बना दिया अलोंग ओ पी, समझ में आ गया नया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉजिटिव चार्ज की वजह है, अगर किसी नेगेटिव चार्ज के कारण निकालनी होती, मान लो प्लस क्यू की जगह या माइनस क्यू चार्ज होता पॉइंट ओ पर, और ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तरीका वही होगा, जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, चाहे पॉजिटिव चार्ज के कारण या नेगेटिव चार्ज के कारण, हम एज्यूम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही एज्यूम करेंगे, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज अगेन एज्यूम किया, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी पी से ओ की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, अलोंग, अब यहाँ पी से ओ की ओर है तो पी पहले ओ बाद में लिखेंगे, ऐसे एरो बना देंगे तो अलोंग पी ओ, एरो बना के भी दिखा दिया। तो समझ में आया कि नहीं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ठीक है। और जैसे फोर्स वाले में हमने आपको बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद रखना अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड अकेला नहीं होगा डायरेक्शन भी होगी, और जब किसी एक पॉइंट चार्ज या किसी एक पॉइंट पर मोर देन वन चार्जेस के कारण, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। तो ऐसे में अपने को जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये नहीं कि हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया,
एक पॉइंट पर दो अलग अलग चार्जेस के कारण, एक आ गई 3, एक आ गई 5, और आपने कहा टोटल गया, बोले जोड़ दो 3 + 5 = 8, ऐसा नहीं है। याद रखना यहां पर अगेन, इट इज नॉट अ स्क्वायर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जब जोड़ेंगे सम करेंगे तो कौन सा सम करेंगे, हम करेंगे वेक्टर सम। याद रखना कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है ना। और वेक्टर सम मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी वही अपना लॉ, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है कि नहीं। तो अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और परपेंडिकुलर अगर हैं E1 और E2 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायरेक्शन डायगोनल के अलोंग हो जाएगी। और अगर थीटा एंगल पर है E1 और E2 एक दूसरे से, तो टोटल इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला होगा अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं एक पॉइंट पर, इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं E1 और E2 और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो इस फार्मूले से आएगा, वही अपना फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला, R इक्वल टू होता है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है, तो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2ab e2 cos थीटा। बस एक बात का ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज्यादा है निकालना है तो स्केलर सम मत कर देना, वेक्टर सम। वेक्टर सम के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है, सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, परपेंडिकुलर है तो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और एक थीटा एंगल पे है, तो ये आप कंसेप्ट है जो याद रखें न्यूमेरिकल्स के दौरान। और याद रखना अभी तक जो मैंने बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। What is the intensity of electric field? So the force experienced by a unit positive charge at any point inside electric field is called intensity of electric field at that point. Or formula iska bata hai, E equal to kya hota hai? F upon Q naught. E se denote kar rahe electric field ko. SI unit hoti Newton per Coulomb. Ye Newton Coulomb inverse kar sakte hain. Dimensions MLT minus 3 A minus 1. And kaisi quantity hai? So yaad rakhna, it is a vector quantity. Samajh mein aaya ki nahi aaya? तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा E इक्वल्स टू F अपॉन, अगर टेस्ट चार्ज लिया तो Q नॉट, और अगर सिंपली अगर कोई चार्ज लिया तो E इक्वल्स टू मेन फॉर्मूला हो गया F अपॉन Q, क्लियर है कि नहीं। अब यहां से अगर हम F की बात करें तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, F इक्वल्स टू Q, उधर पहुंचेगा E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इक्वल्स टू QE। ये वो फोर्स है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर एक्सपीरियंस करता है, समझ आ गया ना। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q हो, इफ इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F इक्वल्स टू QE, क्लियर है कि नहीं। अब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फोर्स तो यही रहेगा F इक्वल्स टू QE, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। बस याद ये रखना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन दोनों के लिए अलग अलग होगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेयरएज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है लगेगा इतना ही फोर्स, मैग्नीट्यूड में यही होगा, बट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है कि नहीं। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात एक नोट के तौर पे आप लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो क्या है ये नोट, कि आपको मैं लिखवा भी देता हूं, व्हाट इज इट, कि इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है। अब चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉमा इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू री के बीच कोई सा नहीं, मतलब इंटू हो रहा है,
ट्रैफिक कॉस्ट क्यू इंटू ई। और अब इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता दें, बिकॉज चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो ये भी आपको बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफी यूज होगा आगे। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक चार्ज क्यू अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लगेगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर है कि नहीं? और कब पॉजिटिव चार्ज पे कैसे, नेगेटिव चार्ज पे कैसे, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उस पर फोर्स लगेगा कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। जबकि वेयर एज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स कैसे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे लगेगा इतना ही फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई, लेकिन कैसे लगेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है कि नहीं? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब अगर ये फोर्स लग रहा है भैया तो एक्सेलरेशन भी तो होगा, आग लगेगी तो धुआं भी उठेगा, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। और हम जानते हैं फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 11 वेरी वेल, एफ इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है कि नहीं? तो अगर एफ इक्वल टू एम ए है तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन एम, ठीक है ना। ये तो हम क्लास 11 से जानते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू हो, मास एम हो, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एक्सेलरेशन को ये नोट करें तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा फोर्स तो एफ इक्वल टू क्या था, क्यू ई, और एफ अपॉन एम तो क्यू ई अपॉन एम। तो ये फार्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का, किसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, ये भी दो टाइप की होती है। ये दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी होती हैं? एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफरेंस है बेसिक दोनों में? तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी इक्वल हो, कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी इक्वल हो वो कहलाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि सपोज अगर हम दो प्लेट्स ले लें,
if we take two plates, plate A and plate B, and plate A को कर दें positively charged, plate B को कर दें negatively charged, तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी इक्वल होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी पॉइंट पे देखें सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो कैसी होगी? इक्वल होगी। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब जरूरत पड़ती है तो इस तरह का अपन देते हैं दो प्लेट्स, तो दो प्लेट्स में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। क्लियर है कि नहीं? अब इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक हमने प्रोटॉन रख दिया, ठीक है ना, एक प्रोटॉन रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपसे पूछा बताइए इस प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स तो लगता ही, एफ इक्वल टू क्यू, ये प्रोटॉन पे भी लगेगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? तो हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा एफ, वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ले रहा कि नहीं? और अगर प्रोटॉन की बजाय एक इलेक्ट्रॉन रख दिया होता हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स लगता है कि नहीं लगता? फोर्स तो फिर भी लगता, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है। वो बात हो रही है कि पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स तो वही लगता जो प्रोटॉन पे लगा, वही इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इक्वल इसी फॉर्मूले से आएगा एफ इक्वल टू क्यू ई से। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और हमने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर एक न्यूट्रॉन रख दिया जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स लगता है कि नहीं लगता? न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, फोर्स लगेगा किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप रख देते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई। ये मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल तो समझा भी दिया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, एक कंसेप्ट है कि सपोज एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे चार्ज है क्यू और मास है एम। चार्ज क्यू कह दिया, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये ड्रॉप है, चार्ज ड्रॉप है, मास एम है। और आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब अपन फ्रीली छोड़ देते हैं तो उसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो उसका वेट यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पे लगेगा वो कैसे लगेगा? डाउनवर्ड्स। कितना लगेगा? मास एम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, वेयर जी इज व्हाट? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं? देन अब ये बॉडी अपने मास के कारण, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण, ये नीचे की ओर जा रही है। हम इसको नीचे जाने से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो नीचे ना जाए, बल्कि वहीं की वहीं, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, हम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है ना, अपनी पोजीशन पे सस्पेंडेड रहे, बैलेंस रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई नीचे जा तो वो अपनी मर्जी से जा रही है, नीचे के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो नीचे जा ही रही है। किसके कारण? अपने वेट के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। अब इसको नीचे जाने से रोकना है तो हमको एक फोर्स जो मैग्नीट्यूड में हो इक्वल और डायरेक्शन में हो अपोजिट, ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऐसा फोर्स लग जाए जो मैग्नीट्यूड में फोर्स के इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो फिर क्या होगा? दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही मैंने आपको बताई थी, किसी बॉडी, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? जब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का सिंपल तरीका जो मैंने बताया क्या, कि वी टेक टू प्लेट्स, ये टू प्लेट्स जो होती हैं इनको अपोजिटली चार्ज कर देंगे। तो सपोज नीचे वाली जो प्लेट है इसको हमने किया पॉजिटिवली चार्ज,
और ऊपर वाली प्लेट को हमने किया नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चों जैसे ही हम ये करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट नीचे है, नेगेटिव प्लेट ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर है कि नहीं? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है चार्ज पार्टिकल, ड्रॉप चार्ज है ना, चार्ज क्यू है इस पे, और कोई सा नहीं, मतलब कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। ये हम जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगता है कितना लगता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ चार्ज पे चार्ज जो है पॉजिटिव है ड्रॉप पे, तो उस पर फोर्स लगेगा कितना, पहली बात तो चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स लगेगा कितना, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। और कैसे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की ओर, तो ड्रॉप पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एफ इक्वल्स टू क्यू ई, वो फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड्स। अब अगर क्यू ई फोर्स ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ज्यादा होगा तो ड्रॉप ऊपर की ओर मूव करने लगेगी, और वेट ज्यादा होगा एम जी तो वो ड्रॉप नीचे की ओर चलती जाएगी। बैलेंस में कब होगी, जब दोनों अपोजिट फोर्सेस कैसे हो, इक्वल। तो ये कंडीशन है फॉर बैलेंस। ऐसे में फॉर बैलेंस ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी क्यू ई मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है ना, इस कंसेप्ट पे भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्यू ई इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए बैलेंस के लिए, और अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी एम जी अपॉन क्यू। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड अगर पूछते हैं मास दे दिया जाए आपको, ठीक है ना, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड पूछ लिया जाए, मास दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो फिर ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है वो E इक्वल्स टू फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, इट विल बी एम जी अपॉन क्यू। यहां एक बात और याद कर दें, दिला दें आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण भी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल्स टू क्या होता है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू होता है क्यू ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल जी के बारे में हम जानते हैं दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है दोनों ही एक्सेलरेशन। तो किसी रीजन में अगर ये दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के कारण फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ऐसे में जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों का सम, और सम कौन सा, वेक्टर सम, बिकॉज दोनों ही एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। याद रखना कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, स्मॉल जी, दोनों ही एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है इस वक्त, ऐसे केस में अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, तो एक एक्सेलरेशन ये है, एक एक्सेलरेशन ये है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, तो ये ज्यादा होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा क्यू ई अपॉन एम, और माइनस जी करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, आपको बताया था जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के इक्वल होता है, और डायरेक्शन होती है अलोंग ग्रेटर वेक्टर। याद रखना अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते और कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो रहा होता, डायरेक्शन ये क्या होती, अपवर्ड्स, इस एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होती, अपवर्ड्स। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो नेट फोर्स इस फॉर्मूले से आ जाता, नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होता हमारा, क्यू ई अपॉन एम माइनस जी। नेट फोर्स अगर कहते, नेट फोर्स कितना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्यू ई, और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण फोर्स एम जी, तो नेट फोर्स होता क्यू ई माइनस एम जी, और नेट एक्सेलरेशन होता क्यू ई अपॉन एम माइनस जी। इज दैट क्लियर? और यहीं कहीं ऐसा होता कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होती, मतलब केस ये बना दें अपन, इस बार अपन ऐसा ले रहे हैं कि ऊपर वाली प्लेट को ले लिया कैसा, पॉजिटिव, और नीचे वाली प्लेट को कैसा ले लिया, नेगेटिव, और यही ड्रॉप है चार्ज क्यू मास एम। अब इसका वेट एम जी कैसे एड कर रहा है, नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की ओर हो गई, तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा क्यू ई वो भी कैसे लगेगा, नीचे की ओर। अब ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम,
तो ऐसे में अगर हम नेट फोर्स कहें तो नेट फोर्स तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है तो नेट फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होगा, क्यूई भी डाउनवर्ड्स एम जी भी डाउनवर्ड दोनों ऐड हो गए, क्यूई प्लस एम जी विल बी द नेट फोर्स एंड व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन इस केस में, इस केस में जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू होगा क्या, ये होगा क्यूई अपॉन एम प्लस एम जी, इज दैट क्लियर, ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में, क्लियर है। तो यहां तक ये बातें समझ में आई, ये बैलेंस की कंडीशन समझा दी हमने आपको, नोट डाउन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड अब आपसे डिस्कस करते हैं कि सपोज एक रीजन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइक दिस, और ये एरोस से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, ये एक रीजन है और एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, और ये चलता हुआ आ रहा है, इट इज इन मोशन, वी वेलोसिटी चलता हुआ आ रहा है सपोज, और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, और ये एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कंसेप्ट ये पूछ सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस पाथ रिमेन सेम, वेलोसिटी डिक्रीजेस पाथ रिमेन सेम, वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड पाथ बिकम्स पैराबोलिक, वेलोसिटी डिक्रीजेस पाथ बिकम्स पैराबोलिक, या नो चेंज। ध्यान से देखिए आप, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जैसे एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते हुए उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, समझ में आ गया ना, फोर्स किस तरफ लगेगा, प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही थी। ये हम क्लास 11 के मैकेनिक्स के कंसेप्ट से जानते हैं कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो सही आंसर होगा वेलोसिटी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ। अब यही प्लस क्यू की बजाय माइनस क्यू चार्ज एंटर करता विद वेलोसिटी भी इसी रीजन के अंदर, तब क्या होता, तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता ऑब्वियस है कि इस पे फोर्स तो उतना ही लगता, लेकिन लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये हम जानते हैं, ये भी मैकेनिक्स से 11th के कांसेप्ट से, कि जब कोई बॉडी पे फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है तो उसके अंदर रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पाथ हालांकि स्ट्रेट लाइन ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे भी पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज पे ये हुआ, ठीक है ना। अब यही केस होता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती, बाय द वे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन में इसी तरह से दो चार्ज पार्टिकल अपने लिए, एक प्लस क्यू चार्ज विद वेलोसिटी वी ऐसे आ रहा है और एक माइनस क्यू चार्ज ये भी विद वेलोसिटी वी ऐसे एंटर कर रहा है। अब इस केस में क्या फर्क पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज जैसे ही एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में तो हम जानते हैं फोर्स तो लगेगा ही चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट, जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, और फ्रॉम मैकेनिक्स हम जानते हैं जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ऐसे एंटर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में थी तो वहां पर वेलोसिटी क्या हुई थी, इंक्रीज, लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज, क्योंकि फोर्स अब लग रहा है वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन। एंड वॉट अबाउट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट, उसके अपोजिट, और मोशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, मतलब इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जब किसी बॉडी की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
इधर सही आंसर होगा वेलोसिटी इंक्रीजेस, पाथ रिमेनिंग सेम, इसका आंसर होगा वेलोसिटी डिक्रीजेस, पाथ रिमेनिंग सेम। और ये इलेक्ट्रिकल की डायरेक्शन यहां उल्टी थी, यहां उल्टा हो गया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया था वेलोसिटी इंक्रीजेस पाथ रिमेनिंग सेम, यहां वेलोसिटी डिक्रीजेस पाथ रिमेनिंग सेम। क्लियर है कि नहीं? एक केस में और ले रहा हूं कि सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, वेलोसिटी वी से ऐसे जा रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कैसी है, ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड्स। ये चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई अपवर्ड्स, तो उस पर फोर्स जो लगेगा कैसे लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। अब मोशन की डायरेक्शन कैसी है, ये फोर्स की डायरेक्शन है ये, तो ना तो पार्टिकल सीधे ऐसे जाएगा ना पार्टिकल सीधे ऐसे जाएगा, बल्कि क्या होगा, इनके रिजल्टेंट पाथ में पार्टिकल ऐसे जाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में पाथ जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। पॉजिटिव चार्ज गया तो पाथ ऐसा हो जाएगा पैराबोलिक, यही अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाता अंदर तो भी पाथ पैराबोलिक ही होता, लेकिन पैराबोला यहां पर ऊपर की ओर जा रहा था। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज है तो कैसे लगेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट इलेक्ट्रिक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ ऐसे जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ऐसे एंटर करता है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। ये भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जब फोर्स लगता है पार्टिकल की मोशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, पाथ चेंज हो जाएगा। तो पाथ यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, पाथ बिकम्स पैराबोलिक, ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं अगला टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए अपन अज्यूम करते हैं कि लेट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट ओ। अब चार्ज है तो इसके चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके चारों ओर है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जिसका इस पॉइंट चार्ज क्यू से डिस्टेंस है आर। एनी प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर सपोज हमको फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर गोइंग टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। फॉर दिस, जैसा कि आप जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो नेचर में पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बता ही चुके हैं कि क्या करते हैं अपन उसके बदले ले लेते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सपोज वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और उसको हमने रखा उस पॉइंट पी पर जहां पर कि हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हम जानते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा। जो फोर्स लगेगा इस पे कितना लगेगा, तो फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ से, क्योंकि ये भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, और दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए अपना लॉ है कूलम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर एयर और वैक्यूम में है तो एफ इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू वन क्यू टू होता है तो क्यू वन है क्यू, क्यू टू है क्यू नॉट, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया फोर्स, कौन सा फोर्स आया, ये आया फोर्स जो इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे लगेगा। समझ में आ गया ना आया? अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको फार्मूला बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, तो हमने बताया था इट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस फार्मूले में एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम एफ की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे तो ई की वैल्यू निकल आएगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज एफ, एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करें इट इज 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट
अपॉन आर स्क्वायर एंड होल अपॉन, नीचे आएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर एक क्यू बचा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, जब भी किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां भी चार्ज का केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेना है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तो भी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज हो तो भी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नॉट ओनली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी निकालेंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए गुरु मंत्र आपको बता दिया जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन निकालनी है वहां अज्यूम करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और फिर देखेंगे उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी किसी पॉइंट पर हमको मान लो ये पॉइंट पी है, तो यहां पे हमको यहां तो एक चार्ज के कारण निकाला, और सपोज मोर देन वन चार्ज, जैसे एक चार्ज ये है क्यू वन, एक चार्ज ये है क्यू टू, सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक चार्ज ये है क्यू थ्री, तो कई चार्जेस हैं और उनके कारण ये पॉइंट पी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको क्यू वन से क्यू टू से क्यू थ्री से सबके, मान लो इससे डिस्टेंस आर वन, इससे डिस्टेंस आर टू, इससे डिस्टेंस आर थ्री, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आप देख सकते हैं कि ई वन जो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वो किससे चार्ज के कारण है, क्यू वन के कारण, तो क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर। ई टू जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ई थ्री अगर देखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर। सबके डायरेक्शन भी देखेंगे क्या क्या है, ठीक है ना? और उसके बाद जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी पॉइंट ई पर, तो ये नहीं कि स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एंड सबके आ गए और जोड़ दिया सीधे, डायरेक्शन भी देखेंगे और सम जो करेंगे वो कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम, यानी ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका वैक्टर सम होगा। तो वैक्टर सम में मेनली हम टू वैक्टर्स का सम तो जानते ही हैं, तो वही आपको जो कंसेप्ट बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है पैरेलल टू इच अदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, डायरेक्शन दोनों के पैरेलल। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन ई टू अपोजिट डायरेक्शन में और ई वन ग्रेटर देन ई टू है, तो ऐसे में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी ई इक्वल टू होगी ई वन माइनस ई टू, डायरेक्शन होगी अलोंग ई वन। और अगर ई टू ग्रेटर है ई वन से, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई टू माइनस ई वन, डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी, ई टू के, मतलब ग्रेटर जो भी होगा उसके पैरेलल होगी डायरेक्शन। परपेंडिकुलर है तो मैंने बताया था ई इक्वल टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, एंड इफ ई वन ई टू आर एट एंगल थीटा तो फिर E इक्वल टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। बस ये बातें जो है ना ये बार बार यूज नहीं, इनको याद कर लो अच्छी तरीके से, तो इसके अब अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मेन फार्मूला जो है वो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए गुरु मंत्र बता ही दिया, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है और वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो, और उस पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है कि नहीं? और न्यूमेरिकल्स में ये भी याद रखना, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हैं तो फिर अपने को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालनी होगी तो हमें कौन सा सम करना होगा, वेक्टर्स। कौन सा सम करेंगे हम, वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़ी, इसी थ्योरी को हम अब न्यूमेरिकल्स में जब अप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए जो आज बताए, अगले टर्न पे हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड जो बातें बताई हैं इनको अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूज हो और वो कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही।